हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा बाइक। एक बार फिर से आप सब मेरे साथ हैं डॉट क्लास में, और इस डॉट क्लास में आपके लिए जो सवाल आए हैं, जो आपने सवाल भेजा है, काफ़ी बेहतर सवाल है, काफ़ी ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, एक लेवल के सवाल हैं। और प्री को ध्यान में रखते हुए सवाल आपके सामने सारे जो है क्वेश्चन हैं, ये प्री लेवल में के क्वेश्चन है, प्री में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्री लेवल के ही हैं, उससे ऊपर है, मेंस लेवल में भी आ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीजीएल की। तो क्वेश्चन जो भी है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा क्वेश्चन का, आपको जो सॉल्यूशन बताऊंगा क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का जो ट्रिक बताऊंगा, वो सारी चीज़ आप अभी देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। आप देखिए, आपके सामने जो पहला सवाल आया है ये क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए इसको कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, कह रहा है ए प्लस बी की वैल्यू 10 है। क्वेश्चन आप लिख रहा हूं मैं, आप साथ में समझिएगा। कह रहा है रूट ओवर ए माइनस बी माइन ए बटा बी माइनस 13 की जो वैल्यू है नेगेटिव ऑफ रूट ओवर बी बाई ए माइनस 11 है। तब आपसे पूछ रहा है 3ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपको देखने में सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल सिर्फ एक सेकंड का है। कैसे एक सेकंड का, देखिएगा इस स्टेप्स को जैसे ही आप नजर डालेंगे तो देखेंगे, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो आपके सामने जो निकल कर आएगा ये रूट ए बटा बी प्लस रूट बी बटा ए, और इधर आ जाएगा 2। 11 इधर माइनस में, 13 उधर जाएगा प्लस में, 13 माइनस 11 2। यही स्टेप इसका एक स्टेप था, इस सवाल में और कहीं कोई स्टेप नहीं है। कैसे आप मुझे बताइए, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं है। मतलब अगर इसको आप x बोल रहे हैं तो सवाल इस टाइप का आ गया, x प्लस 1 बाई x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब x कितना होगा? आप कहेंगे सर 1 होगा। क्लियर है, भूल गए, ये कि x कितना होगा? 1 होगा। और x 1 होने का मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 होने का मतलब क्या हो गया? रूट ए बटा बी का वैल्यू 1, मतलब ए बटा बी बराबर 1, मतलब ए बराबर बी, और ए प्लस बी अगर 10 है तो ए भी 5 हो गया और बी भी 5 हो गया। मतलब सवाल ये हो गया कि सीधा इस ये ए गुने बी 25 दिया 75 प्लस 25 100 और प्लस कितना हो गया 25 125, और कितना ही आ गया 201 300। तो सवाल सिर्फ आपको इससे डरना नहीं था, यही आपका सवाल का सबसे इजी करने वाला स्टेप था, आपको इससे डरना नहीं था। देखने में लगता था, कभी कभार आपके सामने ये होता है ना कि सवाल आपके सामने जो आते हैं उस सवाल में आपसे क्या गलती होती है कि आप हिंदी वर्सन और इंग्लिश वर्सन दोनों को जब देखते हैं एक जगह दोनों रहती है तो आपको लगता है बहुत बड़ा सा सवाल है, बाद में जब ध्यान आएगा तो आप पता चलेगा अच्छा आधा तो हिंदी वर्सन का था। तो ये सब चीज़ें आपके सामने से अगर गुजरे कि इस सब चीज़ का थोड़ा सा नज़रअंदाज करें या फिर कहीं इस पर कमांड करें। जैसे ये सवाल देखिए, कह रहा है ए बी सी आर थ्री फ्रैक्शन सच दैट ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, ऐसा बोल रखा है। If C is divided by A, बोल रहा है if C is divided by A, the result is 9/2। सवाल कह रहा है, which exceeds B by 23 and 23/6। मतलब जो ये है ये B से 23/6 बढ़ के है, तो B कितना होगा? तो इसमें से 23/6 हम घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा B कितना आएगा। बोल रहा है the sum of A, B और C जो दिया हुआ है ये कह रहा है 19/12 है, तो आपको बताना 2a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। अब कहेंगे सर इस सवाल में आप क्या करेंगे, तो इस सवाल में मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे, इस सवाल में आप ही सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताइए कि b की वैल्यू आप नहीं निकालेंगे, इसको 3 से गुना कर ले, इसको 3 से गुना कर ले, तो आपको पता चल गया 4/6 मतलब 2/3। कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर सकते, आपको b निकल कर आ गया। आप मुझे बताइए अगर b की वैल्यू 2/3 इसमें से माइनस कर दे, अगर यहां से b माइनस कर दे दोनों साइड, तो आप यहां से कहेंगे कि सर a प्लस c जो आएगा ये 19/12 माइनस b, और ध्यान से देखिए 19/12 माइनस b, b कितना है? तो आप कहेंगे 2/3 है, और अगर b 2/3 है तो ये कितना आ गया आपका 11/12 आ गया। क्लियर यहां तक? बस इतना ही करना था। आप मुझे बताइए ए प्लस सी की जो वैल्यू 11/12 है, और यहाँ से आप देखेंगे तो सी 9 है, ए 2 है, इसका मतलब दोनों 9 और 2 कितना हो रहा है? सम 11 हो रहा है, ये 11/12 है, मतलब ये इतना बटे 12 और इतना बटे 12 आपको निकल कर आ गया सी 9/12, तो आप कहेंगे सी बराबर क्या हो गया 3/4।
आपसे बोलूंगा ए की वैल्यू, तो आपका आंसर यहाँ से ए निकल कर आ गया, कितना आ गया 1/6। आपको ए मिल गया, बी मिल गया, बी कहा ए है, और सी मिल गया। आपसे निकाल लीजिए 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1/6। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 2/3, और सी की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो कहेंगे 3/4। आप मुझे बताइए ये कट गया यहाँ से, और ये पूरा कितना हो गया 1/3 + 2/3 कितना 3/3 मतलब 1, और 1 में से 3/4 को आप माइनस करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना था, जो कॉन्सेप्ट जो था वो कुछ था नहीं, सिर्फ एक ऐसा चीज था कि आपको जो कह रहा वो करते जाना था, जोड़ घटा गुणा भागा इतना ही में सवाल खत्म था। नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सा सवाल है, आप इस सवाल को जब तक समझ पाएंगे जब तक सवाल आपसे बन चुका होगा, अगर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट। कैसे कॉन्सेप्ट है, करण गिरी और बिट्टू सुबह 9 बजे करते जयपुर कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये जयपुर है और ये आपका कानपुर है, ध्यान दीजिएगा। गिरी यहां से चलना शुरू करता है इस तरफ, और बिट्टू जो है यहां से चलना शुरू करता है इस तरफ। बोल रहा है ये दोनों एक जगह पे मिलते हैं, कहीं पे मिलते हैं, और ये जगह का नाम इसने दे रखा है। ये कहां मिलते हैं, दिल्ली में मिलते हैं। आपका ये है दिल्ली, यहां पे दोनों मिलते हैं, दिल्ली में। गिरी की स्पीड इसने बोल रखी है 70 km/h, और इसकी स्पीड दे रखी है 90 km/h। ध्यान दीजिएगा स्पीड क्या है, 90 km/h, और इसकी भी स्पीड km/h है। सिर्फ सवाल पढ़िए, कह रहा है कि इसके बाद क्या होता है कि दोनों रास्ते। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश वर्सन आप देखेंगे, हिंदी वर्सन देखेंगे तो थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन होता है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो कहना चाह रहा है, हिंदी वाला करेक्ट है, इसमें जो कहना चाह रहा है कि रास्ते में किसी समय दिल्ली में दोनों आपस में मिलते हैं, और कुछ समय वे दोनों एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं, तथा 10:39 पर वो दोनों फिर से अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। मतलब यहाँ से 10:39 पे चलते हैं, और ये इधर चला जाता है बिट्टू। ये कौन है, बिट्टू है, और ये इधर चला जाता है कौन, गिरी। अच्छा, ये लोग स्टार्ट कब किया था अपना चलने के लिए, तो आपने सिर्फ सुबह 9 बजे, ये 9 बजे चलना शुरू किया था। इधर से ये भी गिरी भी, और इधर से बिट्टू भी, कितने बजे चलना शुरू किया था, 9 बजे। आपसे पूछ रहा है कि नाश्ता करने में लोग कितना समय लगाएं, तो आप मुझे बताइए कि अगर 10:40 पर ये नाश्ता ये लोग करते हैं, नाश्ता कर निकलते हैं, और एक सवाल ये भी कह रहा है कि गिरी यहाँ पे कितना बजे पहुंचता है, एक समय दिया हुआ है कि गिरी 12:27 पे यहाँ पे पहुंच जाता है, कहाँ, कानपुर पहुंच जाता है। अगर गिरी 10:40 पर चला है, 12:27 पे यहाँ पहुंचता है, इसका मतलब कि 10:40 यहाँ से चला, यहाँ पहुंचता, और सवाल कह रहा है कि नाश्ता करने के बाद 10:39 पर चले, मतलब जो समय लगा है, जो वेटिंग टाइम है, यहाँ पे रुकने का समय 10:40 के पहले है, 9 से 10:40 के बीच में है। क्लियर, सवाल पकड़ेगी कहाँ से आप मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ कितना समय लगा है, तो आप कहेंगे सर 10:40 से 12:39 2 घंटे होते हैं, लेकिन 12 मिनट कम है, मतलब 108 मिनट का समय यहाँ लगा होगा गिरी को इस दूरी को चलने में। आपसे पूछूंगा इस दूरी कितने स्पीड से चली गई है, तो आप कहेंगे गिरी की स्पीड 70 है, तो इस हिसाब से इसकी स्पीड चली गई है 70 की स्पीड से, इतने समय चली गई है, और यही पूरी दूरी है। ध्यान से समझिएगा, ये कौन सी दूरी है, तो आप कहेंगे सर ये 70 की स्पीड से चली हुई गिरी द्वारा 108 मिनट की दूरी है। अगर इसी दूरी को जब बिट्टू ने चला होगा, बिट्टू चला होगा, तो कितना समय लिया होगा, तो आप कहेंगे सर वो डिवाइड करना पड़ेगा पूरी दूरी को इसके स्पीड से। मैंने जो यूनिट है वो सेव रहने दिया, इसलिए क्योंकि यहां से यूनिट या कैंसिल आउट हो जाएगा, और मिनट का मिनट हमारे पास जवाब रहेगा। आप मुझे बताइए, अगर 9 से मैं इसको काट दे रहा हूं, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर रहेगा, यहां से 12 आ गया, तो आप कहेंगे सर 84 मिनट आपका तो आ रहा है, तो बिल्कुल 84 मिनट ही बिट्टू को लगा था कहां पहुंचने में, दिल्ली पहुंचने में, जहां पे वो गिरी से मिला था। आप मुझे बताइए अगर 9 बजे कोई चला है, 84 मिनट्स लगा है, तो आप मुझे बताइए कि अगर 9 बजे से हम 10:39 की बात करें, तो आप कहेंगे सर 1 घंटा 39 मिनट, मतलब 99 मिनट ये यहां से चलने से लेकर, यहां से द्वारा चलने से लेकर बीच का जो समय है, यहां से जब चला था उसके बाद यहां से चला था, पूरे समय का जो अंतराल है ये 99 मिनट का है, जिसमें से सफर का अंतराल सिर्फ 84 मिनट का, इसका मतलब 15 मिनट जो ज्यादा है वही इसका नाश्ता का समय है।
तो अगर आपको ये पता है कॉन्सेप्ट, ये चीज मैंने कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगा, मैंने सिर्फ आपको बताया कि गिरी इस दूरी को 70 की स्पीड से चला है, गिरी कितना देर चला, तो आपको गिरी का समय दिया हुआ था कि 10:39 से 12:27 तक गिरी चला है, तो आपको पता चल गया गिरी कितनी दूरी चलेगा, इतना ही दूरी बिट्टू भी चला होगा 90 की स्पीड से, तो उसको कितना समय लेना चाहिए, तो आपको पता चल गया बिट्टू यहाँ से यहाँ कितने समय में चला होगा, तो आपको पता चला बिट्टू 84 मिनट में चल गया था, तो फिर आखिर बिट्टू 84 मिनट में चला है, तो आप देखेंगे तो 1:24 में बिट्टू 10:24 बिट्टू यहाँ पहुंच गया था, फिर 15 मिनट क्या कर रहा था, तो आपको पता चल गया यही 15 मिनट वो लंच कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, डिनर कर रहा था, जो भी कर रहा था उसके ऊपर। अब इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही लेंगे कि दिन में डिनर तो नहीं कर रहा होगा। ये जो सवाल है, ये सवाल आपको बहुत ही धाकड़ सवाल है, बहुत ही जबरदस्त, मतलब दिल खुश कर दिया है सवाल। आप जब इस तरह के सवाल पूछते हैं तो मजा आता है बताने में, लगता है कि हाँ मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, बड़ा ही दिल खुश करेगा सवाल, मतलब ऐसा सवाल जिसमें आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। देखिएगा सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चीज है जिसमें आप ना चीजों को निचोड़ सकते हैं बड़े अच्छे से, बिना किसी फॉर्मूला का, बिना किसी चीज का, सिर्फ एक लॉजिक पे। आप देखिए कह रहे हैं रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो रेशियो बता रहा है आपसे, ये बोल रहा है 6:35 का। बड़े अच्छे समझिएगा इस सवाल को, जो इस सवाल पहली बार ये सवाल देख रहे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इसको पूरा देखिए, एक बार की जगह दो बार देखिए, कोशिश कीजिए पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है कॉन्सेप्ट पर अभी तक नहीं अप्लाई कर पाएंगे, पता होगा अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर इस तरह का सवाल आपके सामने नहीं आएगा। करा द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर टू दैट ऑफ सेकेंड ईयर इज 6:35। The interest rate of 3 years in the ratio 1:5 or 7। अब ये 3 साल की बात कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई भी प्रिंसिपल पे जब आप इंटरेस्ट लगाते हैं तो इसी तरह से लगता है। देखिएगा अब यहाँ से आप मुझे बताइए, रेट कह रहा है कि पहले साल जो हम रेट लगा रहे हैं इंटरेस्ट का वो 1 है, जबकि दूसरे साल रेट इंटरेस्ट तो 5 है और तीसरे साल 7 है, इसी अनुपात में रेट लगा हुआ है, जो दर है वो इसी अनुपात में लगा, पहला 1 अगर पहले साल आपने 1% लगाया तो दूसरे साल 5% और तीसरे साल 7%, पहले साल अगर 10% तो दूसरे साल 50% और तीसरे साल 70%। समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, आप मुझे बताइए, तो आपसे पूछ रहा है कि थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का अनुपात क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये जो छोटा सा सवाल है, ये सवाल बड़ा अच्छा है, आप मुझे बताइए कि पहले साल जो भी पैसा लगा होगा 1 की दर से तो 6 बना है, जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर 6 इंटरेस्ट बना है, दूसरे साल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस बार तो आपको 5 के हिसाब से प्रिंसिपल पे देना होगा, तो 1 के हिसाब से आप 6 दे रहे हैं। देखिएगा सुनिएगा अच्छे से, प्रिंसिपल पे 1 के हिसाब से आपका ब्याज 6 बन रहा है, तो आप बताइए 5 उसका 5 गुना दर के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा। तो कहेंगे सर 1 की दर से 5 6 बन रहा है, तो 5 की दर से 30 बनेगा, मतलब 30 जो ब्याज है वो आपका यहाँ है और 5 जो ब्याज है आपका यहाँ। इस बात को समझिएगा, टोटल 35 ब्याज सेकेंड साल था, तो 30 ब्याज कौन सा था जो इस पे लगा था, और ये ब्याज क्या है इस पे, और जो 6 से ब्याज की रेट हुआ है 5, ये ब्याज का क्या हिसाब है। तो कहेंगे सर ये सेकेंड ईयर तो 5% के हिसाब से लग रहा, मतलब यहाँ भी 5 के हिसाब से ही ब्याज लगेगा, दर क्या है यहाँ भी 5 ही लगेगा। यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको यही चीजें और शॉर्ट में आ गई आपके सामने। अब तीसरे साल की आपसे बात करूं तो तीसरे साल का क्या हिसाब है, तो आप मुझे बताइए कि अगर प्रिंसिपल पे जो ब्याज लग रहा है 1 का दर से वो 6 है, तो 7 के दर से कितना लगेगा, तो आप कहेंगे सर 42। 7 के दर से कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 42। अब मुझे बताइए ये तो प्रिंसिपल पे ब्याज लग गया, ब्याज तो इसमें कुछ और लगेगा, और क्या लगेगा, तो कहेंगे सर इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा, मतलब 30 पे भी लगेगा और 5 पे भी लगेगा, इसका मतलब टोटल कितना पे ब्याज और कैलकुलेट करना आपको, तो आप कहेंगे सर 6 + 30 + 5 41 पे टोटल आपको ब्याज कैलकुलेट करना, ध्यान रखना है 41 पे टोटल ब्याज आपको कैलकुलेट करना, लेकिन इस पर दर आप बदल देंगे, दर क्या रहेगा आपका 1 की जगह 7 या 5 की जगह 7, अब दर आपका 7 है। आप मुझे बताइए 6 की दर से अगर 5 आपको ब्याज मिल रहा, समझिएगा 6 पे 5 की दर से अगर ब्याज 5 मिल रहा है, फिर से समझिएगा बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल का हिसाब था, अब ब्याज पे ब्याज हो रहा है, तो 6 पे अगर 5 की दर से 5 ब्याज मिल रहा है, तो 6 पे 1 की दर से आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 6 पे 5 की दर से 5 ब्याज मिल रहा है, तो आप कहेंगे 1 की दर से कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 1। ध्यान देना, अच्छा इसको मैं नहीं घेर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा हम दर को घेरे हैं, तो इसी को घेरना आपको और समझ क्लियर होगा। तो 5 की दर से
पांच अगर ब्याज मिल रहा है तो एक की दर से एक ब्याज मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए कि अगर सात की दर हम लगाएंगे, ध्यान दीजिए कितना है सात की दर है, अगर सात की दर छह पे हम लगा देंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर सात छह पे सात की दर से कितना मिलेगा सात रुपया, हम इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं ब्याज पे ब्याज, तो आप छह पे अगर ब्याज छह की जो ब्याज है उस पे सात की दर से अगर सात ब्याज मिल रहा है तो एक पे कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर सात बटा छह, आपसे पूछूंगा इकतालीस पे कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर इसको इकतालीस से गुणा कर दीजिए और आपको जवाब क्या हो जाएगा सात और 287 बटा छः, आपको ये ब्याज टोटल आपको मिल गया ब्याज पे, ये छः तीस पाँच मतलब पूरे जो इकतालीस रुपये का जो ब्याज है पिछले का उस पर जब आपने ब्याज कैलकुलेट किया तो आपको ये ब्याज। अब बताइए थर्ड ईयर का टोटल ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर 20 प्लस 30, अब जोड़ दीजिए 287, देखिएगा 287 ये प्लस 6 से गुना करके तो आपको पता चलेगा 9 3 और 5 बटा 6, आपको ये 3 साल का टोटल ब्याज है, देख लीजिए आपको 3 साल और 2 साल के ब्याज का रेशियो पूछ रहा था, 2 साल का ब्याज तो आपको पता है 35 है, इधर आप देखिए इसको 7 से काटने की कोशिश कीजिए तो आपको कट जाएगा 9 5 14 में से 3 गया 11, 11 से भी कटेगा ये 11 4 44 11 9 इतना गुना 11, 7 से काट दीजिए 7 और 7 से काट दीजिए 5, ये हो गया 77 और ये 5 उधर जाएगा, तो आपका जो जवाब आ गया वो क्या आ गया, जो सवाल पूछ रहा था वो 77:30 का रेशियो होगा, 77:30 का रेशियो होगा थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का ब्याज। इस क्वेश्चन को आप एक बार नहीं दो बार तीन बार आप कोशिश कीजिएगा समझने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो चीजें दी गई है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, उम्मीद है कि सारा कुछ अभी क्लियर हो गया होगा, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ आपने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अलग चीज, एक अलग तरह का सवाल आपने आज देखा है। अब नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है ये सवाल देखिए, सवाल कह रहा है रोहित डिसाइडेड टू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सेविंग अकाउंट ऑफ ए बैंक दैट पेज 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी बैंक अगर 25% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा होगा मतलब 1/5 ब्याज दे रहा होगा, मतलब 5 पे 6 ब्याज दे रहा होगा 1 और 6 हो जा रहा होगा, बोल रहा व्हाट इज द सम ऑफ मनी दैट रोहित शुड इन्वेस्ट सो दैट ही रिसीव्स ₹200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹400 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। क्या सवाल कर रहा है, कह रहा है रोहित हर साल कुछ पैसे, रोहित कुछ पैसा जमा करना चाह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में, जहां पे उसको क्या होना है एक साल बाद उसको ₹200 मिले और दो साल बाद उसको ₹400 मिले, इस तरह से वो कितना पैसा जमा करेगा कि ऐसा होगा, तो आप मुझे बताइए कि अगर वो पैसा आज जमा करता है 5 तो उसको मिलेगा 6 एक साल बाद, अगर मैं बोलूं 25 जमा करेगा तो आप कहेंगे फिर से 2 साल बाद उसको मिलेगा 36, यहां तक क्लियर, 2 साल बाद कितना मिलेगा 36, रोहित को कितना चाहिए 2 साल बाद याद कीजिए, तो कहिएगा सर पहले साल जितना चाहिए उसका डबल चाहिए, तो पहले साल 18 चाहिए तभी तो इसका डबल होगा, तो 3 से गुना कर लिया मतलब पहले साल उसको अगर 15 जमा करे पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए 25 कुल मिला के अगर 40 वो जमा कर देता है तो पहले साल वो 18 लेके चले जाएगा और दूसरे साल 36 लेके चला जाएगा, यहां तक क्लियर है, सवाल इतना ही था, इसका सवाल नहीं है, पहले साल जो जमा किया था उसका डबल दूसरे साल, पहले साल जितना निकाला था उसका डबल उसको दूसरे साल चाहिए था, तो मैंने बोला भैया इस हिसाब से तुम 40 रुपया जमा करोगे तो हम पहले साल 18 देंगे और दूसरे साल 36 देंगे, क्लियर हो गया, लेकिन सवाल कह रहा है कि 18 की वैल्यू कितनी है आपका ₹200 है, तो आप बताइए 18 की वैल्यू ₹200 तो की वैल्यू कितना हो गया 200/18, आपसे सवाल कर रहा है 40 की वैल्यू कितना जमा करेगा तो 40 की वैल्यू आप बता दीजिए, तो आपको पता चल गया 4000/9 इतना ही रुपया उसको जमा करना होगा, अब इसको डेसिमल में आप कीजिए और रोहित को बताइए कितना रुपया है। एक ये जो सवाल है ये लास्ट मोमेंट पे आया था, बड़ा अच्छा सवाल है, एक एक छोटा सा स्वीट सा क्यूट सा बड़ा अच्छा समझदार सवाल है, कह रहा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर कंटेंट 5% साल्ट, एक सॉल्यूशन है जिसमें 5% सॉल्ट है, पानी और नमक का सॉल्यूशन है जिसमें 5% सॉल्ट है, बोल रहा है 20 लीटर पानी उड़ जाता है इसमें से वाष्पित हो जाता है तो पूछ रहा 15% सॉल्ट बच जाता है, तो आपको बताना है कि फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन है, आप मुझे बताइए जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जो भी सॉल्यूशन होगा ध्यान दीजिएगा जो भी सॉल्यूशन होगा गुना परसेंटेज ऑफ साल्ट उसमें जितना होगा, यही तो आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ साल्ट होगा, अगर 100 लीटर का सॉल्यूशन है या 100 केजी का सॉल्यूशन है तो अगर 20% उसमें आपका साल्ट है तो 100 गुना 20% 100 मतलब 20 केजी आपका साल्ट होगा, क्लियर यहां तक,
तो आप देखिए साल्ट, अगर आप पानी उड़ जाएगा आपके मिश्रण से, आपके सॉल्यूशन से पानी उड़ जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या? आप तो कहेंगे सर सॉल्ट बचेगा, लेकिन पानी भी बच सकता है, पूरा पानी उड़ेगा कि निश्चित गारंटी नहीं। लेकिन एक बात की गारंटी है कि साल्ट आपका जितना था उतना ही साल्ट रहेगा। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? कॉन्स्टेंट। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? कॉन्स्टेंट। अगर ये कॉन्स्टेंट है तो आप कहेंगे सॉल्यूशन का जो रेशियो होगा सॉल्ट के रेशियो से उल्टा होगा, या सॉल्ट का जो रेशियो होगा सॉल्यूशन के रेशियो से उल्टा होगा। आप मुझे बताइए सॉल्ट का रेशियो परसेंटेज जो था पहले 5% था, अब कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 15% हो गया है। ये परसेंटेज साल्ट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? परसेंटेज साल्ट की बात कर रहा हूँ। पहले 5% था, अब कितना हो गया? 15%। तो आप मुझे बताइए सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका मतलब सर उल्टा कर दे रहे, 15% से 5% हो गया होगा। हमें रेशियो पता करना है तो 5% से काट दिए, 3 और ये 1 हो गया। तो आप मुझे बताइए इसका मतलब पहले 3 यूनिट सॉल्यूशन था, 1 यूनिट है। सॉल्यूशन उड़ा कितना है, पानी उड़ा कितना है? तो कहेंगे सर 20 लीटर, जबकि यहाँ पे आपको 2 ही यूनिट पानी कम है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी देर के सवाल में? तो आप कहेंगे 20 लीटर। तो आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू तो 10, तो 30 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर। आपसे यही पूछ रहा था स्टार्टिंग में कितना सॉल्यूशन। क्लियर है? ये हमारे 6 क्वेश्चन थे इस क्लास के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपके पास बैक टू बैक फिर मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, पेंडिंग सवाल थे मेरे लिए बहुत सारे। आपको पता है कुछ थोड़ा सा गैप के बाद में आया हूँ डॉट क्लास लेकर, तो आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही मिलने वाले हैं लगभग आधे घंटे के इंटरवल पे, और वो वीडियो में भी आपके पास 5-6 क्वेश्चन होंगे। तो आप वीडियो को देखिए, कमेंट करके हमें बताइए एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, समझ में आ रही है बातें, नहीं समझ में आ रही है। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।